Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. कम ज़र्फ का इश्की गली में दाखला मना है, लेकिन बाजार हुस्न वो शाहरायाम है जहां हर कोई बिला रोक टोक आ सकता है। जाएगा कब ये वो खुद भी नहीं जानता। 80 की दहाई में कराची और लाहौर के बालाखाने सरे शाम सुर संगीत और रक्स के शौकीन अफराद की तफरी का एहतमाम किया करते। कायदे के तहत तमाशबीनों का इस्तकबाल हुआ करता, लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि जमाने की करवट ने यह सारा कारोबार ही ठप कर दिया। इसके बावजूद सितारा महल क्लासिकल फनकारों का एक ऐसा मकान है जिसके मकीन अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ है। मालिक कायनात ने उन्हें बाजार हुस्न में पैदा फरमाया जहां जरूरत पैरों में घुंघरू बांधे नाच रही है। लेकिन इसी मुआशरे में कई शुरफा भी तो हराम हलाल की तमीज खो चुके हैं। मसलहत अंधेरों में उतर गई, इंसानियत मांद पड़ गई। ऐसे में दीवारे शब के उस पार चरागे इश्क कौन जलाएगा? जरा सुनिए नफरत की कहानी, मोहब्बत की जुबानी। शामा आ गई तो शामा आ जाएगी। कौन शामा? सितारा जहाँ की लाडली। तू नहीं आई है, तू नहीं जानती कि वो चलो लड़कियों, तुम लोग यहाँ खड़ी हो, अंदर इतना काम पड़ा है, चलो अंदर मेरे साथ। चला समझा रही थी मैं बिन गिन माशाल्लाह सितारा बेगम, वाह, तुम्हारी गायकी सुन के दिल खुश हो जाता है। बहुत कम फनकारों को ऐसा फन नसीब होता है आजकल। आपकी जरा नवाजी है उस्ताद जी, आप ही के कदमों में बैठकर सीखा, वरना मेरी क्या औकात। बड़े फनकार की यही पहचान है, वो जितना बड़ा होता जाता है आजसी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तुम्हें देखकर इस बात पे मेरा ईमान और भी पुख्ता हो जाता है। बस उस्ताद जी, हमारी फिरोजा के लिए दुआ किया करें कि उसका फन कामिल हो जाए, और वही है जो मेरे फन की विरासत को आगे तक लेकर जाए। दीवारे शब और अक्से रुखे यार सामने, फिर दिल के आईने से लहू फूटने लगा, फिर वजे एहतियात से धुंधला गई नजर, फिर जब्त आरजू से बदन टूटने लगा। माँ, इजहार भाई,
इजहार भाई कहाँ रह गए आप? इजहार भाई, इजहार भाई। हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? नाश्ते के लिए बुला रहा था। नाश्ता तो मैं तेरी भाभी के साथ करूंगा। दोनों भाई इकट्ठे कर लेते तो अच्छा लगता। अलग अलग करेंगे बुरा तब भी नहीं लगेगा। चल जा, शाबाश। नाश्ता लगाओ भाई मेरा। रे माए को सैया का। उस्ताद जी आप क्या कहते हैं, ये जो राग भोपाली की बंदिश है उसके तराने में रूपक अच्छा लगेगा या जपताल? रूपक अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि इसके साथ तो रूपक ही जचेगा। खैर, अल्लाह करे ये हमारी नगीना भी कुछ सीख ही ले। अरे श्यामा, यहाँ तो आ बेटा, बात सुन। कि नगीना बेगम कहाँ है भाई? उठ गई हैं, मुंह हाथ धो रही हैं। क्या इस वक्त हाथ मुंह धुल रहा है महारानी का? आधा दिन चढ़ाया है, जा बुला कर लाओ उसे। हद होती है। अब देख लिया, मैं सही कहती हूँ ना, खामखा नाराज नहीं होती हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं इसकी तरफ से। शक्ल अच्छी लेकिन न जहन अच्छा, ना पढ़ाई लिखाई, ना कुछ हुनर सीखा। पता नहीं क्या करेगी ये जिंदगी में। नगीना बाजी उठ जाए ना, कब तक सोएंगी आप? क्या है श्यामा, कितनी बार गाय सुबह सुबह मत नाजिल हुआ कर, सो नहीं दे। आपने कभी सुबह देखी भी है? वो तो फिरोजा बाजी है जो सूरज के निकलने से पहले ही उठ जाती है अम्मा के साथ, और फिर अल्लाह का नाम लेती है, और फिर कहीं। बस 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 बस, फिरोजा फिरोजा फिरोजा, तुमने तो उसे मेरी चिड़ी बना लिया है। हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती हो। फिरोजा बाजी की तारीफें तो हर कोई करता है, आप देखिएगा पूरे शहर में धूम होगी उनकी। बड़े बड़े लोग बुलाएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम मिलेंगे, और बड़े बड़े कदरदान उनको सर आंखों पे रखेंगे। मर गए सर आंखों पर बिठाने वाले। अरे अब तो राजाओं महाराजाओं को गुजरे हुए भी मुद्दतें हो गई हैं। मौसीकी का, स्टेज का और फिल्मों का जमाना है, पर ये बात हमारी अम्मा जान को कौन समझाए। आहिस्ता बोले, कुछ सुन लेगा, फिर आईवी शामत आ जाएगी। चले, इंतजार हो रहा है आपका। सुनो, जाओ जरा नीचे से अच्छी सी इलायची वाली चाय लाओ। जाओ, जा रही हूँ। जल्दी जल्दी से ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ। खैर, तुम ऐसा करो, पिछले वाले दरवाजे से ना मेरे कमरे में जाओ, और ये शॉपर ध्यान से वहां रख देना, और सुनो किसी की नजर ना पड़े इन शॉपर्स पे। जाओ शाबाश। अम्मी, इस्लाम चाचा तो अक्सर वहीं मिल जाते हैं, अगर मैंने देख लिया तो। अरे तुम्हारे इस्लाम चाचा 24 घंटे कागज और कलम में मसरूफ रहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं होने वाली। जाओ शाबाश, जल्दी से जाके छुपा दो मेरे कमरे में। हाँ, और हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ शायस्ता बेगम, आज घर में बहुत खामोशी है। शाकर भाभी गुल को लेकर सुबह से गई हुई है बाजार, और अम्मा तस्बीह पढ़ रही हैं। खामोशी तो होनी है। इतनी देर क्यों हो गई शाकर भाभी को? पर्स भर के ले जाती हैं माशाल्लाह, तो फिर खरीदारी में वक्त तो लगेगा ना। आप कैसे जानती हैं कि उनका पर्स भरा हुआ होता? आप तलाशी लेती हैं मेरी भाभी के पर्स की? बहुत बुरी बात है। आप भी ना बस। गुल बीबी क्या हाल है? ये क्या छुपा के ले जा रही हो? कुछ नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो गुल। गुल बेटा बात तो सुनो मेरी। ये क्या छुपा के लेकर गई है? क्या पता। वैसे हमें पता है कि आपने हमारा क्या छुपा रखा। दिल? नगीना बाजी बस करें ना, कितना खाएंगी? दोपहर में नहीं खाया जाएगा, भूख मर जाएगी। नहीं, कोई भूख भूख नहीं मरती। अम्मा ने इस तरह खाते पीते देख लिया ना,
तो बहुत नाराज होंगी। मेरी शामा तो लैदा आएगी कि मैंने मना नहीं किया। अच्छा देना रानी, क्या कर रही है? अरे खाने देना मेरी बच्ची को। चल क्यों, अरे यही तो हमारा इसके खाने पीने की शौक पूरा करने की। हाय अल्लाह, इतना नन्ना सा इतना सा मुंह हो गया है, क्या हुआ, बीमार थी क्या? नहीं खाला, बीमार तो नहीं थी, पर पता है क्या, मुझे ना बहुत भूख लगती है। अगर खाना नहीं खाती ना पेट भर के, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी होती है। अरे तो खाया करना, कौन मना करता है तुझे। चल खा, ये सेब भी खा, अच्छा होता है, फ्रूट बहुत अच्छा है सेहत के लिए। हाँ खाला, क्या आपकी बेटी गुलनाज भी ऐसे ही नाश्ता करती है? शामा, मैं तो ऐसे कह रही थी। खाला गुलनाज कैसी है, वो क्यों नहीं आई? तो तू आ जाना मेरी रानी, कौन सा दूर है, बराबर में तो है। अरे दिलदार। आदाब, आदाब भाजी, कैसी हैं? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। सच में आपको दो दिन ना देखूँ ना चैन नहीं आता मुझे। और वो गुलनाज, वो कहती है रोज रोज खाला सितारा के घर जाना अच्छी बात नहीं। मैंने कभी अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो अपनी बाजी को देखे बगैर रह नहीं सकती। अच्छा कहाँ है वो गुलनाज की बच्ची, भेजना तो उसे मेरे पास, कान खींचूंगी उसके। मेरी बहन को मेरे पास आने से रोकती है तो ना, ये आजकल के बच्चे हैं ऐसे। आदाब खाला। अरे चीती रहे चीती रहे, किसी भी तुझे देखती तो जैसे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। असल दौलत तो तू है मेरी बाजी की, बल्कि पूरे खानदान का फख्र है तू। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी घड़ी और बुरी नजर से महफूज रखे। आमीन आमीन। वैसे बाजी प्रोग्राम तो इसने कम ही की है, लेकिन सच में सारे जमाने में धूम मच गई है। सारा दिन सिफारिशों के फोन आते हैं मुझे, और वो फिल्म वाले, अल्लाह वो तो जान को ही आ गई, पैरों में पड़े रहते हैं मेरे। तुम तो अच्छी तरह जानती हो दिलदार कि मैंने कभी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं किया, जिंदगी में हर कदम सोचकर उठाया है मैंने, और अब भी वैसा ही। अरे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 16 आने बात ठीक की आपने। और आपका फैसला भला हम रद्द कर सकते हैं? आप जो भी फैसला करेंगी ठीक ही करेंगी ना, लेकिन आज मुझे आपसे एक बात करनी है और आपको माननी पड़ेगी। क्या बात है? बात यह है कि हमारी फिरोजा। फिरोजा ऐसा करो कि शामा से कहो अच्छी सी चाय बनाकर लाए, खाला आई है। जी तो मैं ये कह रही थी, बल्कि झरोके में चल के बात करते हैं ना। अच्छा चलो चलते हैं। तुम तक पहुंचने का हर रास्ता बंद है फिरोजा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना रास्ता खुद तख्लीक करेंगे। हमारी मोहब्बत करेगी, एक आम तमाशबीन की हैसियत से तुम्हारे घर आकर तुम्हारी इज्जत कम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहता हूँ, अपना नाम और शनाख्त देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा फिरोजा, ये बात मैं जान चुका हूं। हमें एक होना ही है, और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, हम खुद को वक्त के धारे पर नहीं छोड़ सकते। जरूर आना फिरोजा, मैं इंतजार कर रहा हूं। दिलदार मना कर दो, मेरा दिल नहीं मानता। प्यारी बाजी क्या हो गया आपको, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे वहां पर, जागीरदार, सनतकार, वजीर, उनके साथ बड़े बड़े आला अफसरान, कौन कौन नहीं होगा? वो कोई गली मोहल्ले के आवारा लड़कों का मजमा थोड़ी है, हद करती हैं आपकी। मैं तो मान जाऊं दिलदार, मगर मेरा दिल नहीं मानता। फिरोजा की खूबसूरती उसके सादगी से डरती हूँ। अब तक जो उसके मिजाज में एहसास जिम्मेदारी पैदा होना चाहिए था, नहीं उसका। प्यारी बाजी, यही भोलपन और सादगी तो हमारी फिरोजा की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। मजा आ जाएगा, फंक्शन में धूम मच जाएगी। और बाजी, हमारी फिरोजा बड़े काम और बड़े राज के लायक है, ये छोटी मोटी चीजों के लायक नहीं है। और सच पूछिए तो
आपके दिल की ख्वाहिश भी यही है ना? हाँ वो तो है। माशाल्लाह मेरी फिरोजा जैसी एक भी लड़की इस बिरादरी में नहीं, बेमिसाल है। यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन नगीना भी उसके सामने सिफर है। हाँ हाँ ये तो खैर सच है, लेकिन बस करे ना, बस मैं कह रही हूँ ना आपसे, बस मान जाए। क्या है ये? उस्ताद जी ने दिए थे ठीक करने के लिए। तो फिर? तो हो गए, डोरियां भी बदल दी, एकदम नए जैसे हो गए। देखें क्या क्या कर रही हैं आप? साज को हमेशा मोहब्बत से, नरमी से छेड़ते हैं, वरना बुरा मान जाते हैं, दिल टूट जाता है इनका। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा फैज अली? ये तबला, ये इसका दिल टूटेगा, ये बुरा मनाएगा, कहाँ है इसका दिल दिखाओ। होता है इसका दिल, पर आपको दिखाई नहीं देगा। तुम सिर्फ शक्ल से हिम्मत नहीं रखते, अंदर से भी पूरे के पूरे बुद्धू हो। अरे ये तबला, हारमोनियम, सारंगी बेजान है, समझा? बेजान होते तो आवाज कैसे करते, सात सुर कैसे बिखेरते? मैं अंदर। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, मैं खुद ही रख लूंगी। आओ इधर दो। मैं रख देता हूँ। बोला ना नहीं जरूरत। और सुन, पीछे 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 लाओ। जी। सुनो, कल आ जाना पैसे लेने के लिए। जी। क्या? जाओ। जाओ। जी 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 मैं। देखो दिलदार, हम खानदानी गायक हैं, इस फन को खुलूस से लेकर चल रहे हैं और इसी से अपनी इज्जत की रोटी कमाते हैं। मगर अगर मगर छोड़े ना, सब पता है मुझे। देखिए बस आप फिरोजा को मेरे साथ जाने दें, चंद घंटों की तो बात है, और फिर मैं वादा कर चुकी हूँ ना। क्या ये क्या तरीका है दिलदार, मुझसे पूछे बगैर ही वादा कर लिया तुमने? क्या मैं उनकी कुछ नहीं लगती, मेरा कोई हक नहीं बच्चियों पर? ठीक है अगर ऐसी बातें तो रहने दे, मैं जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, मगर ये बच्चों वाले तरीके नहीं बदले तुम्हारे। चलो ठीक है, ले जाना तुम फिरोजा को अपने साथ, लेकिन उसका ख्याल रखना, अकेला मत छोड़ना और साथ ही रहना। आप फिक्र ही ना करें मेरी प्यारी बाजी, मैं उसके साथ साथ साये की तरह रहूंगी, और ऐसे वैसे को तो भटकने भी नहीं दूंगी। बस ठीक ठीक है, मगर याद रहे कि सिर्फ एक रक्स हो। अच्छा जैसे आप कहें वैसे करूंगी मेरी प्यारी बाजी जान। कौन? फिरोजा मैं हूँ खाला दिलदार। खाला? नगीना बाजी इतनी डायरेक्ट कर ली अपनी लिपस्टिक, थोड़ा हल्का करें, लाइन में आप पकड़ते थे। नहीं नहीं पीछे हटो। अरे इतनी अच्छी तो लग रही हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हें क्या पता फैशन के बारे में, अपने उल्टे सीधे मशवरे ना अपने पास ही रखो। अच्छा जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अम्मा ने आके से डांट दिया ना तो मुझे ना आके कुछ कहिएगा। क्या वाकई में इतनी डार्क है? अच्छा सुने, वो खाला दिलदार फिरोजा बाजी को किसी बड़े फंक्शन में जाने की बात कर रही थी। हे वाकई, हाय कितना मजा आएगा, मैं भी साथ चलूंगी। खाला दिलदार अगर लेकर जा रही है ना तो जरूर कोई बहुत बड़ी पार्टी होगी, छोटी मोटी जगह तो वो हाथ मारती ही नहीं है। अपनी गुलनाज को क्यों नहीं लेके जाती, हमारी फिरोजा बाजी को ही क्यों? क्यों क्यों भाई पता नहीं,
एक तो तुम्हारी बातें ना बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती, क्या उल्टा सीधा सोची रहती हो। जाओ यहाँ से, तैयार होने दो मुझे। लिपस्टिक हल्की कर ले। चल। उस्ताद जी आप फिक्र मत करें, देखिए फिरोजा को प्रोग्रामों की कमी तो नहीं है, माशाल्लाह अभी चंद ही महफिलें हुई और उसकी शोहरत देखिए कहाँ तक पहुंची। जब ही तो उन्होंने दिलदार का पीछा लिया है कि फिरोजा को लेकर आओ। तो सब ठीक है सितारा बेगम, मगर तुम उसे वहां तनहा मत भेजो, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती है उसके साथ? अरे उस्ताद जी, जब दिलदार जा रही है तो मेरे जाने की क्या जरूरत है? आप फिक्र ना करें, वो बड़ी समझदार औरत है, उसे अच्छी तरह पता है फिरोजा का ख्याल कैसे रखना है। और वैसे भी किसी दूसरे शहर तो जाना नहीं, चंद ही घंटों की तो बात है। अब बैठ जाइए ना, परेशान होना छोड़ दीजिए। अब जब लड़कियों में माशाल्लाह ये गुण होते हैं तो लोगों में उनकी फरमाइश होती है। अम्मा, अम्मा, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। वो अम्मा, मैं सलमा के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में ना वापस आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की। क्यों? ना तो ये वक्त मुनासिब है और ना ही तुम्हारा हुलिया। देखो तो क्या पहन कर जा रही हो तुम। अम्मा ठीक तो लग रही हूँ, जाने देना, मेरी सहेलियां बुलाती रहती है, वहाँ बहुत मजा आता है। उस्ताद जी आप बोले ना। जब मना कर दिया तो मना कर दिया, चलो अपने कमरे में। हाँ सुनो। क्या है अम्मा? श्यामा से कहना फैज अली को खाना दे दे, वो मिस्कीन तो कभी किसी से खाना ही नहीं मांगता। जीब लड़की उस्ताद जी, ये भी देखा जरा इसको, इस लड़की को तो पहनने उड़ने की तमीज है ना बात करने की। इसे पता नहीं है वहां सलमा के यहाँ इसका कितना मजाक बनता है, इसी तरह से भी ये फिरोजा की बहन नहीं लगती। अच्छा आप तो परेशान होना बंद करें ना, सब ठीक होगा, फिक्र ना करें। अम्मा, शाइस्ता आई भाभी। क्या हो गया बेटा? अरे अम्मा, महंगाई तो जैसे आसमान से बातें कर रही है। बस क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। किस चीज की कमी है? आप घर से निकलती नहीं है, इसलिए अंदाजा नहीं है कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है अम्मा। हाय, औरतों के जेवर और कपड़े देखकर बस मैं बता नहीं सकती, लेकिन यहाँ, अरे यहाँ तो वही नपी तुली जिंदगी। खैर छोड़े, एक जोड़ा आपके लिए लाई थी और एक शाइस्ता के लिए। बहुत शुक्रिया भाभी, तकलीफ की आपने। अच्छा, तकलीफ ही की बेटा तुमने। अरे क्या तकलीफ अम्मा, फर्ज है हमारा। अब शाइस्ता को इस तरह से पुराने जोड़े में देख के मेरा तो दिल कुड़ता है, बस रहा नहीं गया मुझसे, सोचा इसके लिए भी जोड़ा ले लूं। ये लो शाइस्ता, देखो। क्या हुआ, पसंद नहीं आया जोड़ा? अरे नहीं भाभी, बहुत खूबसूरत जोड़ा है, मैं इसे आज ही सी लूंगी। अरे अब खुद सीकर जोड़े का नास ना मार देना। शास्त्रा से अच्छा कौन सी सकता है भला, और फिर सैकड़ों रुपए दर्जी की नजर करने की जरूरत क्या है। शास्त्रा मेरा भी तुम सी देना बेटा। जी अम्मा जरूर। अरे वाह भाई वाह, आपको तो बहाना चाहिए शास्त्रा की तारीफ करने का। ये ना कुछ करके भी आपके लिए बहुत अच्छी है, और मैं अपना पैसा बर्बाद करके भी बुरी की बुरी हूँ। शांतिरा मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम तो बात को बढ़ा रही हो, और खुदा बेहतर जानता है तुम दोनों में मैंने कभी फर्क नहीं किया। बस अम्मा रहने दे, फर्क तो हमेशा किया आपने। अरे हमेशा इस घर में शाइस्ता को, इस्लाम को इज्जत मिली है, जबकि मैं और मेरे बच्चे आप लोगों की आंखों में खटक के, अरे क्यों रह रही हूँ मैं इस जहन्नुम में, चली क्यों नहीं जाती मैं यहाँ से? शांतिरा ये लम्स मेरी लाडली के सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता। अम्मा कितनी मोहब्बत करती हैं आप मुझसे, अपनी जान से भी ज्यादा, सारे जहां से बढ़कर। एक बात कहूंगी तो मानेंगी? पहले कभी ना की है तुझे मैं? आप नगीना पर इतनी सख्ती ना किया करें, वो मेरी बड़ी बहन है। बड़ी तो है लेकिन उसकी हरकतें बहुत छोटी। आपकी डांट से उनका दिल टूट जाता है। अच्छा तो अब तुझसे मेरी शिकायतें भी करने लगी? हुँ?
नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, बस ऐसे ही कह रही थी। देखो बेटा, सुर संगीत, रंग रूप, अंग और अदा हमारी जिंदगी है। बेहुनर होना बदकिस्मती है, लेकिन बेपरवाह होना जुर्म है। और यही बात मैं नगीना को समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अम्मा, आप उनका गुस्सा मुझ पर उतार लिया करें। चल, तुझ पर तो मैं तेरा गुस्सा भी ना उतारूं। कैसी बातें कर रही है? अगर मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई तो माफ कर देंगी मुझे? तुझे मेरा खून भी माफ है मेरी जान, लेकिन तू कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। बेऐब को सिर्फ रब की जात है अम्मा, और हम गुनाहों की पोटली। नगीना, याओ। जी अम्मा। ये क्या तरीका है, इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाने से मना किया ना हजार बार। माफ कर देना अम्मा। और किसी को खाना इस तरह नहीं दिया जाता सारे जमाने को सुना सुना कर। तुमसे ज्यादा तमीज तो अब शामा सीख गई इतने सालों में। आज जरा से काम के लिए बाहर क्या गई, तुमने शोर ही मचा दिया। अम्मा तो फैजली को भी तो कहे ना, जब भी उसे भूख लगे वो खुद ही आ जाया करे, ये चुप करके क्यों बैठा रहता है? निहायत ही शरीफ और मिस्कीन लड़का है वो, हमारे सिवा है ही कौन उस बेचारे का। मत परेशान किया करो उसे, आए तो भेजना मेरे पास। जी अच्छा। फैजली, ओए फैजली के बच्चे, कब से आवाजें लगा रही हो तुम? क्या कानों में रूई लगा के बैठे हो? अजीब इंसान हो। ऐसी आवाजें नहीं लगानी चाहिए। तुम्हें तो कुछ भी मुनासिब नहीं लगता, मम्मा की तरह नसीहतें करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आवाजें ना लगाती तो तुम्हें पता कैसे चलता? कोई हर्ज नहीं था। कोई हर्ज नहीं कहना बहुत आसान है, जिस दिन भूखा रहना पड़ा ना तब पूछूंगी भूख होती क्या है। ये लो। आप जानती है नगीना जी, यहाँ आने से पहले मैंने बहुत फाके करे, वो तो सितारा खाला ने सर पे हाथ। अच्छा बस बस बस, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी दुखों भरी कहानी सुनने का। अम्मा ने कहा है वो बैठक में बैठी है, उनसे मिलते जाना। अरे भाई तुम्हारा ही खाना है, भागे नहीं जा रहा, खा लेना। चीज है ये फैजली, ये लो अपनी उजरत, कम से कम अपने पैसे तो लेने आ जाए करो। मैं ना बुलाऊं तो क्या शक्ल भी नहीं दिखाओगे? रहने दीजिए ना खाला, मैं क्यों शर्मिंदा कर रही हूं? वैसे ही बड़े एहसान है आपके मुझ पर। अरे तुम तो हमारे घर के फर्द, अपनों पर कोई एहसान होता है भला? घर वालों से काम के पैसे भी तो नहीं लिए जाते ना सितारा खाला, शर्म आती है मुझे। अच्छा चलो, तुम इसे अपने जेब खर्च समझ के रख लो। देखो अब मना मत करना। पूरे बाजार में तुमसे अच्छा कारीगर नहीं है फैजली। माशाल्लाह, पुराने से पुराने साज को नया कर देते हो तुम, सुर जैसे बोलने लगते हैं। इसकी समझ तो सिर्फ आपको है सितारा खाला, वरना यहाँ तो लोग समझते हैं कि साज में जान ही नहीं होती। बेवकूफ होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा समझते हैं। मेरे अहमक, मैं चल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारी फिरोजाबाजी कितनी प्यारी लग रही है। महफिल में तो इन पे से किसी की नजर ही नहीं हटेगी, देख लेना
सुना है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अगर सचमुच हमारी फिरोजाबाजी पर किसी का दिल आ गया तो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी फिरोजाबाजी को सच्ची मोहब्बत करने वाला मिल जाएगा। हाय, ये सच्ची मोहब्बत भी बड़ी मुसीबत खड़ी करती है, और हमारे घर की लड़कियों को तो सच्ची मोहब्बत कभी रास ही नहीं आती। दिल किसी की इजाजत लेकर तो नहीं लगाया जाता, किसी का जोर नहीं चलता इस पर, खुद अपना भी नहीं, बस जिस पर आना होता है आ जाता है। हाय, खुदा खैर करे फिरोजा बाजी, किसी से दिल तो नहीं लगा बैठी। चल हट, कम देर हो रही है, जाना। नकीना, ऐसे क्या देख रही हो? पता है तुम्हें सब कुछ बहुत जचता है। आप सब मिलकर मुझे बहुत मफरूर कर देंगे जो मैं होना नहीं चाहती। पता है फिरोजा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अपने आप पे बहुत गौर करती, किसी से बात ना करती, और मैं तो किसी को मुंह तक ना लगाती। आप बहुत हसीन है लेकिन यकीन जो नहीं आता मुझसे भी ज्यादा हसीन है। क्या बात है फिरोजा, कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस ऐसे। ये देखो मेरी आंसू कैसे हैं। क्या हाल है? कुछ नहीं, चलिए। बच्चों, अरे बच्चों मैं क्या बताऊं, इतनी लंबी गाड़ी आई है हमें लेने के लिए, ड्राइवर और गार्ड अलग। मैंने कहा था ना बड़ी इज्जत से बुला रहे हैं हमें। बस अब आप आराम करें, दो घंटे के अंदर हम वापस भी आ जाएंगे। तुम बस आए। अरे अरे मेरी फिरोजा रानी, मेरी शहजादी चश्मे बतूर। जी तेरा माशाल्लाह, सदा सलामत रहो। सदके जाओ। वहां जाके एहतियात करना, अजनबी लोगों से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना। जी अम्मा। अरे चलो ना, चलो देर हो रही है हमें, चलो रुक जाओ। बाहर भिजवा देना किसी मिस्किन को। इजाजत। अल्लाह की अमान में थी। अरे चल जल्दी हो, चल चल चल, अच्छा हो, हम जा रहे हैं। चल मेरी शैतानी, चल चल चल। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है खाला, पता नहीं मुझे आना चाहिए था या नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं फिरोजाबाजी, मैं चल रही हूँ ना आपके साथ, और अगली गाड़ी में तो दो मुलाजिम भी हैं हमारे। शाबा तू? आदाब खाला। चल उतर, उतर गाड़ी से, तू नहीं जाएगी हमारे साथ। ये क्या तरीका है, बदतमीजी है बहुत। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिरोजाबाजी भी नहीं जाएंगी। अम्मा का हुक्म है कि फिरोजाबाजी के साथ साय की तरह रहना है। हद करती है बच्चों भी, मुझ पर भरोसा नहीं था जो शामा को साथ कर दिया। आप ये तो वही बताएंगी, वापस आके आप पूछ लीजिएगा ना। बकवास बंद कर अपनी। अरे गुस्सा कर गई हमारी खाला। खाला चले कुछ नहीं होता, छोड़े ना, खफा मत हो, हंसते। चलो ड्राइवर। हमको खरीद ला।
खटकी होट में छुपा तूफान देखिए जा चुकी हूँ। आप भी अंदर चली जाइए, बाहर खड़े रहना मुनासिब नहीं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये मेरा घर, तुम्हारा नहीं। अच्छी तरह याद रहता है मुझे भी कि ये घर आपका है, मेरा नहीं है। बार बार याद दिलाने की जरूरत थोड़ी। फिर भी अगर कुछ बुरा लग गया हो तो माफी चाहता ठीक है, माफ किया। लेकिन आइंदा बात करने से पहले एहतियात करो। और हाँ सुनो, जब तक फिरोजा घर नहीं आ जाती तब तक जागते रहना, चौकीदारी करो। क्या हुआ फिरोजा? ओहो, क्यों आप फिक्रमंद हो रही हैं फिरोजा के लिए? आ जाएगी वो। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे दिलदार के साथ फिरोजा को नहीं भेजना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। वो जितना भी बुरा मानती, नहीं भेजना चाहिए था। अम्मा, खाला दिलदार फिरोजा का ख्याल रखेंगी, और फिर साथ में श्यामा भी तो गए है ना। उसकी आधे घंटे की महफिल थी सिर्फ, अब तो उसे गए कई घंटे गुजर चुके। बहुत घबराहट हो रही है, अजीब अजीब वसवसे आ रहे मेरे दिल में। चल चल के अपने कमरे। फिरोजा, फिरोजा, दीवारे शब के पास।